आज हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर और आपको बता दें कि आज 20 जनवरी है, यानी कि आज ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगी और ये भी बता दें कि अभी ईडी का काफिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के अंदर जा चुका है और किसी भी वक्त पूछताछ हो चुकी है। लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और चलिए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं और यहाँ पे लगातार जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें उनका क्या कुछ राय है। इस समय हमारे साथ जेएमएम के कार्यकर्ता अंतु तिर्की मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ कहना है। आप यहाँ पे ईडी अंदर जा चुकी है और आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ में केंद्र सरकार के षड्यंत्र के द्वारा यहाँ की सरकार को परेशान किया जा रहा है, इसे साफ पता चलता है कि यहाँ एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, ये आदिवासी मुख्यमंत्री इन लोगों को पच नहीं रहा है और ये आदिवासी मुख्यमंत्री और कोई ऐरा गैरा मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक आंदोलनकारी का बेटा है जिनके नेतृत्व के आंदोलन से ये झारखंड अलग राज्य बना है और उसी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि नीचे तबके के लोगों तक विकास के काम पहुंच रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से जिस तरह से हर तरह का, चाहे वो आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, यहाँ के किसान हो, यहाँ के मजदूर हो, यहाँ के छात्र हो, हर लोगों का जिस तरह से विकास की कड़ी से जोड़ा जा रहा है, ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी को बच नहीं रहा है और इसीलिए वो षड्यंत्र के तहत यहाँ एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का प्रयास कर रही है केंद्र की सरकार। हम पूछना चाहते हैं कि आप सिर्फ जो यहाँ के जो गैर भाजपा सरकार है उनके यहाँ ही आप जांच कराते हैं, बाकी यहाँ कहाँ क्या है? ईडी एक स्वतंत्र जांच केंद्र है और ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, तो इसमें आप क्या स्वतंत्र रूप से काम करने क्यों नहीं देना चाह रहे? हम तो काम करने देना चाह रहे हैं, जब भी उनका समन आया है, माननीय हेमंत सोरेन जी पहला समन में ही ईडी दफ्तर में जाकर अपने सवालों का जवाब दिया है। लेकिन रोज रोज अगर आप ईडी में बुलाते रहिएगा तो फिर राज्य का विकास का काम कैसे होगा? इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का काम है कि यहाँ के विकास कैसे हो उसका चिंता करना है, तो इसीलिए बार बार बुलाकर परेशान ना करे, यहाँ की जो विकास की गाड़ी है उस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ने दिया जाए और अवरुद्ध ना किया जाए। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी हम जुड़ेंगे आगे चल करके और भी इन बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको उनसे बातचीत करके आपको पहुँचाएंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे जैसे ईडी जा चुकी है और आप देख रहे हैं कि ईडी अभी पूछताछ शुरू करेगी, तो यहाँ पे आप लोग कब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ईडी के खिलाफ, ईडी के नियम और नीति के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। ईडी एक स्वतंत्र चीज है, उसको स्वतंत्र होना चाहिए पर वो स्वतंत्र नहीं रह गया, वह पूरी तरह से कांग्रेस के मुताबिक अमित शाह की हिसाब पे एक चुनी हुई सरकार को, एक आदिवासी का बेटा जो सरकार बना है, जिसकी लड़ाई के बलों वाला सरकार बनी है, इसके खिलाफ इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। हम लोग इसके नियत और नीति के खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं और ये अंदर गई है। हम लोग अगर वो अपनी नीति और नियत को नहीं सुधारता है तो हम लोग निश्चित रूप से पूरे 3.5 करोड़ जनता, उसके बाद अगर उसकी नियत खराब निकली तो हम लोग दुगड़ी बजाएंगे और पूरे गांव-गांव में आंदोलन फैलेगा, क्योंकि उसी आंदोलन से अलग राज बना है। इसलिए निश्चित रूप से ईडी को इस बात पर समझ लेना चाहिए कि अगर राज को अस्थिर बनाना है तो फिर अपने नियत को सही करे, और अपने नियत को नहीं सही करेगा दैट मीन्स झारखंड का विकास नहीं चाहता है, हम ऐसा मानते हैं। ऐसा है, निश्चित रूप से चुनाव का ही मामला है, वह आदमी बीजेपी जो नियत यहाँ झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से बीजेपी पूरी तरह से उखड़ चुकी है, तो उसका अब नियत ये बना है कि अगर उसके विकास के काम के बीच में अब हम कहीं खड़ा नहीं होंगे तो इनको हम शामिल करें,
वह बीजेपी के साथ शामिल करने के लिए परेशान है। जिस दिन बीजेपी अगर जेएमएम उनके साथ खड़ा नहीं होता है, हेमंत सोरेन खड़ा नहीं होता है, तो बीजेपी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ चुकी है, उसका आभास हो चुका है। इसलिए हर संभव इस बात को चाह रहा है वो मेरे साथ मिले, इसके लिए ईडी को भेजा गया। ईडी गलत कहीं नहीं है, हेमंत सोरेन गलत कहीं नहीं है, सिर्फ गलती ये है तो उसके हमाम में नहाने नहीं जा रहा है, वो उसके हमाम में नहाना चला जाएगा, उसका सारा समस्या खत्म हो जाएगा, यही बात है। देखिए कहना क्या है, सबसे पहले केंद्र सरकार भाजपा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छवि खराब करने का ये प्रयास की जा रही है, और कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आए दिन ईडी सीडी ये सब एजेंसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का छवि को खराब करने का ये काम कर रहा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि जब से सरकार बनी है बेहतर काम कर रही है इस माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि ये आदिवासी मुख्यमंत्री है, सीधा साधा मुख्यमंत्री है, इसलिए इसका छवि खराब कर रहा है। आपके न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा भाजपा के केंद्र सरकार और एजेंसी को मैं कहना चाहूंगा कि होश में रहे, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष टुकड़े बजा करके उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग अपना नेता भाई क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं होगा, होगा निश्चित रूप से होगा। हमारा नेता आ करके यहाँ पर उसे पूछताछ करेगा तो हम घर में सुतल रहेंगे, हम लोग आएंगे जहाँ जाएगा सीएम वहाँ पर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक एक कर कहते हैं 3 करोड़ जनता उसके साथ में आएंगे। कैसे लिया झारखंड, जब तक यहाँ से ईडी भागेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे, क्योंकि प्यासे रात हो गल हो जब तक रहेंगे तब तक हम लोग रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे क्या आप लोगों को बड़े बड़े जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा भेजा गया है कि आप यहाँ जाइए? नहीं, हम लोग अपने स्वेच्छा से आए हैं। आज हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोग का आदिवासी का हम लोग का दाता है। आज के डेट में केंद्र सरकार एजेंसी द्वारा जानबूझकर इसको फंसाया जा रहा है और छेड़छाड़ कर रहा है। वो छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं आदिवासी, इसी चलते हम लोग का आहत पहुंचा आदिवासी के। उसके साथ साथ आज जितने भी यहां पर देखने वाली चीज है, जहां जहां गैर भाजपा सरकार है तहां तहां ईडी है। आज देखिए झारखंड हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, वहीं पर ही ईडी है, और जगह ईडी नहीं है। तो इसी चलते आज हम लोग का हमारे मन ये हेमंत सोरेन जानबूझकर ईडी का परेशान कर रहा है, इसके विरोध में और उसको ईडी को हम लोग देख रहे हैं। आज सीएम हाउस में क्या क्या हो रहा है और जैसे होगा आगे का हम लोग की रणनीति हम लोग बनाएंगे। जी हम आपको लगातार यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरीके से लोगों में आक्रोश और गुस्सा आज भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी अंदर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और इनका कहना है कि इनका धरना प्रदर्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के चंगुल से बाहर नहीं निकल जाते हैं। अपने मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत, मैं कृष्णा गुप्ता, JK News 24/7 का।